वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट किड्स। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं साइंस किड का वॉल्यूम 2 लेकर, जिसमें हम लैब 2 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपने हमारा साइंस एक्सपेरिमेंट्स का वॉल्यूम 1 तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप तैयार हो हमारा साइंस एक्सपेरिमेंट देखने के लिए? तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो तो लाइक जरूर करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए हैं मैसी मैट के साथ आज के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। दीदी, आज कौन सा एक्सपेरिमेंट है? आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अंडर वाटर वॉल्केनो। देखते हैं इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट जरूरी है। टेस्ट ट्यूब, स्कूप, मेजरिंग सिलेंडर, स्टीरिंग स्टिक, फनल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं हमें किट से क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट, सिट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, रेड कलर, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें हमें घर से अरेंज करना है, जैसे वाटर एंड वेजिटेबल ऑयल। लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 1। मेजर 10 ml वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट इनटू द टेस्ट ट्यूब। हमने मेजरिंग सिलेंडर में 10 ml वाटर पहले से ही पोर कर दिया है, अब हम इसे टेस्ट ट्यूब में पोर करेंगे। Let's move to the step 2. Then add 2 drops of red color into the test tube and mix using the stirring stick. ये रहा हमारा red color. अब हम इसे test tube में डालेंगे. चलिए अब हम stirring stick से इसे mix कर लेते हैं. Let's move to step number 3. Add 1/2 scoop of baking soda using the funnel. ये ली हमने funnel, हमने इसे test tube में रख के और इसमें 1/2 स्पून baking soda डालेंगे। अब हम इस funnel को हटा देंगे। Let's move to step number 4. Measure 20 ml vegetable oil in the measuring cylinder and slowly pour it into the test tube. ये रहा हमारा 20 ml vegetable oil. अब हम इसे test tube में pour करेंगे. Let's move to the next step. Drop 1/2 scoop of citric acid into the test tube using the funnel. Shake the funnel to ensure all the citric acid fall into the test tube. चलिए फ्रेंड्स, अब हम डाल देते हैं 1 scoop citric acid इस test tube में। Wow, friends, ये रहा हमारा underwater volcano. Wow, दीदी, ये है अंडर वाटर वॉल्केनो। हाँ सारंज, डिड यू सी बबल्स राइजिंग अप फ्रॉम द वॉटर टू द ऑयल लेयर? यस। डिड यू नोटिस दैट दीज बबल्स मूव स्लोली इन द ऑयल लेयर? यस। साइंस बिहाइंड दिस, सिमिलर टू द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड
But in this experiment, the bubbles move slowly through the oil layer because oil is thicker and stickier than water. This property of oil is called viscosity. वाह दीदी, ये तो बड़ा अच्छा वर्क करने वाला है, ये तो हम घर पे भी बना सकते हैं। हाँ सारांश, इसमें जो भी सामान हमने यूज किया है वो हम घर से भी यूज कर सकते हैं। चलिए परफॉर्म करते हैं आज का सेकंड एक्सपेरिमेंट, जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 3, मैजिक बलून। देखते हैं इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत है। टेस्ट ट्यूब, स्कूप, मेजरिंग सिलेंडर, एंड फनल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, मटेरियल्स फ्रॉम द किट, जिसके लिए जरूरी है बेकिंग सोडा एंड विनेगर, और ये रहा बलून। Let's start the experiment. Step number 1. Measure 15 ml vinegar in the measuring cylinder and pour it into the test tube. Place the test tube on the messy mat. ये ली हमने test tube और हमने इसमें 15 ml vinegar measure कर लिया है। ये हमने vinegar pour कर दिया। Step number 2. Add 1 scoop of baking soda into the balloon with the help of the funnel. Make sure the funnel is dry. अब हम बलून में फनल फिक्स करेंगे। ये लिया हमने बेकिंग सोडा। अब हम इसे फनल में पोर करेंगे। फनल की हेल्प से ये हमें बलून में पहुंचाना है। फ्रेंड्स, ये हमने फनल की हेल्प से बलून में बेकिंग सोडा फिल कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। आस्क एन एडल्ट टू फिट द बलून ओवर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एज शोन इन द पिक्चर। ये मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्प से टेस्ट ट्यूब में बलून फिट करवा लिया है। Let's move to the next step. Now lift the balloon to allow the baking soda to fall into the bottle and witness magic. चलिए दोस्तों, बलून से बेकिंग सोडा टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। वाओ, देखिए फ्रेंड्स, बलून विनेगर और बेकिंग सोडा की हेल्प से ब्लो हो रहा है। वाओ दीदी, ये तो मैजिक ही हो गया। हाँ सारांश, तभी तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम मैजिक बलून है। Did you see the balloon start to inflate and lifting it and releasing baking soda into the test tube? Yes. Science behind this: when vinegar and baking soda mix, a chemical reaction takes place. Carbon dioxide gas is released, which fills up the balloon. जल्द ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ, जो है बाथ बम। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट्स पसंद आए होंगे। हाँ सारी, पसंद तो आ ही होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी ही मिलेंगे साइंस एक्सपेरिमेंट्स के आने वाले वॉल्यूम्स में, वो भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। फ्रेंड्स, आई होप आपको एक्सपेरिमेंट्स पसंद आए होंगे।